नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सिंपल रेसिपी। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं बघारू फिश। बहुत ही सिंपल है इसको यूज बनाना और इसमें ऑयल भी बहुत कम यूज होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर एक हैवी पैन रख लिया है और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा वाटर। जितना आपका फिश है उसी हिसाब से आप इसमें डालें। तो इसको गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर लेते हैं फिश को। सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, लेमन जूस, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, क्योंकि हमको ग्रीन चिली भी इसमें डालना है। डाल के अच्छे से इसको मैरिनेट कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर पानी बॉयल होना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसमें डालेंगे जो फिश को मैरिनेट करके रखा था उसको डाल देंगे। इसके साथ हम डाल रहे हैं थोड़े से चॉप्ड करा हुआ टमाटर। और यहाँ पर जिंजर गार्लिक मैंने ऐसे कूट के रखा हुआ है, जिंजर। और यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा अनियन, ये भी मैंने ऐसे रफली चॉप करके डाला हुआ है। और इसमें डाल रहे हैं हम ग्रीन चिली और धनिया पत्ता। अब इसमें डालेंगे, हमने मैरिनेशन में तो सॉल्ट वगैरह डाला था, लेकिन फिर थोड़ा सा इसमें सूप के लिए हम थोड़ा सा सॉल्ट डाल रहे हैं। सॉल्ट और टर्मरिक पाउडर, हल्के हाथों से इसको मिक्स करके हम इसको कवर करके छोड़ देते हैं जब तक ये फिश पक ना जाए। कि फिश को चेक करते हैं और थोड़ा सा इसको स्टर भी कर लेते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर। इसमें डालें थोड़ा सा धनिया पाउडर एक चम्मच और एक आधा चम्मच जीरा पाउडर। इनको हल्के हाथों से मिक्स करें, नहीं तो फिश टूटने के चांसेस होते हैं। फिश बहुत डेलिकेट होते हैं। देखिए, इसको चेक करते हैं। मैं बीच बीच में इसको स्टर भी कर रही थी, तो ये हमारा फिश ऑलरेडी कुक्ड है। इसका जो ग्रेवी है आप इसको अपने पसंद से रख सकते हैं। मैंने थोड़ा थिक रखा है इसको। अब इसे जो ठंडे हो जाएंगे पूरा थिक हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसको गैस में ऑफ कर देती हूँ। पर जैसे कि मैंने कहा था, ये बघारू फिश है हमारा, इसको हमने इसको बघार देनी है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा ऑयल लेते हैं, क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल भी ऑयल यूज़ नहीं करा है। तो दोस्तों, जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए इसमें हम डालेंगे मस्टर्ड सीड, थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे जीरा। अभी यहाँ पर डालेंगे हम थोड़ा सा चॉप्ड ग्रीन चिली करके रखा है, तो थोड़ा सा चॉप्ड ग्रीन चिली डालेंगे हम। और इसमें हम डाल रहे हैं चॉप करके रखा है मैंने गार्लिक, इसको भी डाल देंगे। अब इसको छिलके के साथ कूट के भी डाल सकते हैं। गार्लिक के छिलके के साथ अगर कूटेंगे तो बहुत ही अच्छे टेस्ट आएंगे। थोड़ा सा इसको कलर चेंज होने दे रहे हैं। देखिए, अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अगर आपके पास करी पत्ते हैं तो करी पत्ते भी डाल सकते हैं, उसमें तो टेस्ट बहुत डबल हो जाते हैं। तो इसको हम डाल देंगे इसके अंदर। इसको तुरंत ही हम कवर कर लेते हैं ताकि इसका फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, फिर बाद में हम स्टर करेंगे। देखिए दोस्तों, इसको तड़का डाल के मैं थोड़ा सा गैस ऑन कर दिया था। अभी हम इसको मिक्स कर देंगे।
बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है दोस्तों। अगर करी पत्ते डालेंगे तो और भी अच्छी खुशबू आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप चाहे तो डाल सकते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, ये ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिकन मसाला या फिर कोई भी मसाला, जो करी पाउडर जो भी आपके पास है थोड़ा सा डाल सकते हैं। डाल के बस कुछ सेकेंड के लिए हम इसको कुक करेंगे ताकि सारे फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। हल्के हाथों से इसको स्टर करें। तो दोस्तों ये हमारा बघारू फिश रेडी है। कुछ सेकंड के लिए मैंने कुक होने के लिए छोड़ दिया था मसालों को मिक्स होने के लिए, अब मैंने गैस ऑफ कर लिया है। दोस्तों ये बघारू फिश रेडी है। आई होप आपको ये पसंद आएंगे दोस्तों। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब श्योर कर ले। थैंक यू।